हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं फोटोशूट पे। एंड मैंने जैसा कि पहले भी बताया, बाइक का ये सर्विसिंग भी कराना था, जो कि मैंने अभी नहीं कराया है किसी कारण से। तो आज तो हम फोटोशूट पे जा रहे हैं, बाकी देखते हैं कब तक ये हो पाता है। एंड हमेशा मैं गई जाता था फोटोशूट पे शाम को, लेकिन आज पहली बार, मतलब पहली बार नहीं है, एक बार और गया था बट उतना मज़ा नहीं आया। तो इस बार भी सुबह ही जा रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज का मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा है। मतलब देखा जाए तो बारिश वारिश हुआ था, अभी ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा छाँव भी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम है अभी, इसलिए हम अभी फ़ोटोशूट पर जा रहे हैं। एंड कैमरा एंगल का प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए क्योंकि हेलमेट में कैमरा अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा था। और मोटो व्लॉगिंग करना जितना मैं इजी समझता था उससे कहीं ज़्यादा हार्ड भी है, मतलब इतना भी इजी नहीं है। और अभी मैं बाइक बहुत ही स्लोली स्लोली ले चल रहा हूँ क्योंकि विंड नॉइज आएगी हमारे, मतलब ये जो ग्लास इसका है उसको उठा कर हम रखें थोड़ा सा, तो विंड नॉइज आएगी। एंड ये आप लोग देख पा रहे होगा इसकी एक बाइक पे तीन तीन बंदे जा रहे, और वो भी इतना स्पीड करके, क्या गजब बेइज्जती है। अभी ये लोगों को अगर ये चेक पोस्ट लगा ही था, अगर पुलिस वाले होते तो पकड़ के पीट देते अभी। तो गाइज यहाँ से आज हम दूसरे जगह, मतलब फोटोशूट पे, मतलब मेरा एक फ्रेंड था बट मैंने उसको बोला तो उसका शायद गैरेज पे काम वाम था तो वो नहीं आया। और भी फ्रेंड है लोग, तो जा रहे हैं फोटोशूट पे वहीं पे उन लोगों के साथ। हमारा कोई पर्सनल फोटोग्राफर मतलब ऐसा कुछ साथ में नहीं है, नहीं तो बहुत मज़ा आता। किसी को अच्छे से आता नहीं है तो क्या ही बोले। जैसे सुबह में आप देख पा रहे हो, सुबह तो नहीं ही कह सकते, टाइम मतलब 11 बज रहा है तो सुबह सुबह क्या। और मौसम के कारण अभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है गाइस, क्या ही बताएं। क्योंकि ज़्यादा बारिश बारिश हुआ तो ये है ना कि मौसम बहुत ही अच्छा, बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना, मतलब पूछो ही मत, एकदम मस्त मस्त वाला मौसम। अभी मैं काफ़ी स्लोली स्लोली चल रहा हूँ, बाइक को ज़्यादा नहीं स्पीड कर रहा क्योंकि वो जो मेरा फ्रेंड है मैंने उसको बोला था कि आने के लिए, तो वो बोला कि 10 मिनट भाई लगेगा, उसको रेडी वेडी होना है, ड्रेस व्रेस कर पहनना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं धीरे धीरे चल के व्लॉग बना लूँगा, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जाऊँगा, तो वैसे दोनों का टाइम मतलब परफेक्ट हो जाएगा, मैं भी टाइम से पहुँच जाऊँगा और वो भी टाइम से आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे यही होता है, ज़्यादा स्पीड थोड़ा सा भगाओगे उसके बाद फिर कहीं ना कहीं स्लो होना ही है, तो काफ़ी रफली नहीं चल सकते। और आगे तो अब मार्केट ही आ रहा है, वैसे जाने के लिए और भी रास्ते हैं, मतलब उधर से भी जा सकते थे बट मैं उधर से नहीं गया क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ जो इतना ये है उसको भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे मेरा फ्रेंड का एक शॉप है, वहाँ पे गैरेज है, तो वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे तो टाइम हो जाएगा। एंड इससे पहले मैंने दो व्लॉग बनाया है, ये मेरा तीसरा व्लॉग है गाइज।
पता नहीं बाइक में एक और प्रॉब्लम आ रही है कि गियर फंस जा रहा है। मतलब सेकेंड गियर में अभी बाइक था और मैंने थर्ड देकर भगाना चाहा तो वो सेकेंड में ही रह गया, थर्ड गियर लगा ही नहीं। बारिश के मौसम में देख पा रहे हो गाइस कि रोड यहाँ का, रोड का मतलब क्या हाल है। और इससे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है ना कि इस हेलमेट से, कि ये सर के थोड़ा नीचे आ जा रहा है, बार बार नीचे सा आ जा रहा है तो टच कर रहा है ऐसे साला, मतलब अजीब लग रहा है, पूरा एंगल कवर नहीं हो पा रहा है, रोड साइड जो एरिया है ना पूरा नहीं आ पा रहा है। मैं पहले भी सोचा, मतलब आज से पहले मैंने सोचा कि दो दिन पहले कि मैं व्लॉग बनाता, बट बारिश इतना ना ज़्यादा हुआ कि बारिश छूटता तब तो, बारिश छूट ही नहीं रहा। देखते हैं वहाँ पे कुछ देर टाइम देते हैं उसको और उसके बाद हो सके तो कॉल करके जाते हैं फोटोशूट पे। बाकी आगे मार्केट आ गया, मार्केट में राइड करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन यही होता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में फंस जाओ तो बहुत बेकार लगता है। यहाँ पे क्या है कि कोई मोटो व्लॉगर है नहीं, ऐसे क्या है कि सारे लोग सिर्फ कैमरा ही देखते हैं। ओह माय गॉड, एंड यहाँ से इस वाले रोड में ही है मेरा फ्रेंड का जो मतलब शॉप है। आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, इससे भी ज़्यादा होता है, बट अभी थोड़ा तो है ही और इतना ट्रैफिक तो सफिशियंट है, रहेगा ही। मैं इससे आगे ज़रा निकलूँ, मैं इसके शॉप पे अब आ ही गया हूँ। व्लॉग कंटिन्यू करेंगे आगे, तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद मिलते हैं गाइस। तब तक मेरा जो फ्रेंड है उसके घर में पहुंच जाऊंगा, मतलब फ्रेंड का घर नहीं, उसके बाद पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आपसे बात करता हूं।